गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है डेली एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह जो है बनाए रहिए। और हम लोग जो है इसके पहले एक मैराथन क्लास लेके आया था जिसमें मैंने परसेंटेज के विषय में बताया था। आज उसी क्रम में दूसरी मैराथन क्लास जो कि आपकी मैथ की है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चाल समय दूरी। रीजनिंग की आपकी मैराथन क्लास चली थी जिसमें आपको क्लॉक चैप्टर कंप्लीट कराया गया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपके एग्जाम होने के पहले पहले आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग धैर्य बनाए रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। और आप जो भी हमको मानते हो, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के सहयोग जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, आपको देख कर पता चलता होगा कि मैं आपके लिए कितना परेशान हूं। ठीक, तो हमारा और आपका दोनों लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें, आप हमारे लिए कुछ करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है चाल समय और दूरी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो कुछ चीजें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए चाल समय दूरी में। जैसे अब चूंकि हमको ये पता है कि चाल यानी स्पीड, समय अर्थात टाइम, और दूरी का मतलब डिस्टेंस अर्थात एसटीडी। आज हम लोग एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज इसमें आपको ये समझ लेना है कि जैसे अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, चाल के विषय में ही जानना है, और दूरी और समय तो सिर्फ नॉर्मल है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप चाल के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि चाल का क्या कॉन्सेप्ट है। जब चाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये चैप्टर समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको बोल दिया जाए मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, बोल दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। मैक्सिमम यही तो यूज होता है। कभी कभी जो है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए भी आ जाता है। तो पहले हम ये जान लें कि कैसे ये बदला जाता है, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग महेंद्र, आशीष, दिलीप, पंकज। पंकज, आपकी ये महामैराथन क्लास है, पूरी चाल समय दूरी ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर कराया जाएगा आज। जितनी देर में बना हूं आप उतनी देर केवल बने रहिए। कहीं भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं भी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप ना कर पाए। कोई भी आपका प्रश्न हो आप चाहे उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, चाहे आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, चाहे आप हमारे फेसबुक पेज पर भेज दीजिए। कहीं भी आप प्रश्न भेजेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, सब्सक्राइब करवाइए अभी सबसे, जितने लोग मिले सबसे सब्सक्राइब करवाइए। केवल एक काम करिए बस, और जल्द ही मैं जो है और टीचर अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो तब जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करेंगे तो एक से टीचर आपको मैं दूंगा जो कि बेहतर पढ़ा सकते हैं, बेहतर आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, जो आज तक मैथ नहीं पढ़ा है वो भी यहां पर इसको समझ सकता है, पूरा समझ में आएगा, और जो मैथ पढ़ना है उसको भी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए आप बने रहिए जब तक मैं पढ़ाता हूं। अगर आपका
एक मिनट की बात की जाए तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया गया, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। ठीक, आपका कार्य है शेयर करना, आप शेयर करते रहिए और मेरा जो काम है मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसमें कहीं भी अगर आपको लगे कि नहीं सर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, जो भी आप मानते हो वो समझ के हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। चलिए देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो देखिए, किलोमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। घंटे को हमको किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो यानी 50 किलोमीटर को बदलना है मीटर में। अभी हमने देखा कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसका मतलब कि 1000 हो जाएगा, बटे है बटे हावर, यश को यश में बदलना है, घंटे को सेकेंड में बदलना है। तो घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए हमको दो स्टेप चलना पड़ेगा। पहले हम घंटे को मिनट में बदलेंगे, अतः बटे 60 कर देंगे। फिर देखिए, अब मिनट को जो है सेकेंड में बदलेंगे तो फिर से इंटू 60 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं कि मैंने 2 60 कैसे कर दिया? पहला 60 जो है वो घंटे को मिनट में बदल रहा है, दूसरा 60 जो है वो मिनट को सेकेंड में बदल रहा है। आगे देखिए, आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 3 6 25 2 50, 2 3 6 2 5 10, 25 5 125 और बटे 3 3 9 मीटर प्रति सेकेंड, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने देखा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलना। अगर आप इसकी ट्रिक की बात करें, तो समझिएगा, हमने यह ही इतना एक्स्ट्रा किया है, मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या किया, 1000 बटे 60 इंटू 60, हमने यही इतना एक्स्ट्रा किया। इसका मतलब कि 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, मतलब 5 6 3 18। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो हम 5 6 18 से गुणा कर देंगे। अगर हम 5 6 18 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। जैसे कि अगर एक प्रश्न अगर हम और ले लें, अगर ना समझ में आया हो तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो समझिएगा 60 में 60 लिख लीजिए इंटू, अब देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना है और हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इसीलिए इंटू 1000 और बटे, ये घंटा है और घंटे को सेकेंड में बदलना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसीलिए हमने 60 × 60 कर दिया। देखिए 60 × 60 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, इसका मतलब आ गया हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। आप चाहे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 5/18 से गुणा कर दीजिए, मतलब 60 में डायरेक्ट आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो 6 × 60 6 3 18 10 5 50/3, देखिए आ गया डायरेक्ट। तो सबसे पहली चीज तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कि 5/18 होता है कि 18/5 होता है, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए पहले आप ये जानिए और इसको जानने के बाद इसको खुद बनाना सीखिए कि ट्रिक कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, 80
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, 80 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो देखिए क्या करना है, 80 लिखा है, 80 लिख लीजिए पहले, ये है मीटर और ये है किलोमीटर। अगर हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, आइए यहां से देखते हैं। जब किलोमीटर को मीटर में बदलना था तो हमने 1000 से गुणा किया। अब अगर जो है मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो मतलब 1 मीटर बराबर 1 और ये 1000 नीचे आएगा अर्थात 1/1000 किलोमीटर, मतलब कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब कि जब मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 करेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए। आगे चलिए देखते हैं, फिर बटे में है ना, बटे में है इसलिए नीचे लिखेंगे। सेकंड है और सेकंड को बदलना है घंटे में, तो सेकंड को घंटे में अगर बदलना है तो सबसे पहले हम सेकंड से मिनट में बदलेंगे, अर्थात 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। फिर देखिए यहां से 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। ठीक, तो अब हमको सेकंड को घंटे में बदलना है तो सबसे पहले सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो इसलिए 1/60 लिखेंगे। फिर से देखिए मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/60 लिखेंगे, मतलब एक बार हमने सेकंड से मिनट में बदला तो 1/60 किए, फिर मिनट से घंटे में बदला तो 1/60 किए। समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 बार 1/60 क्यों किया। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। जल्दी से एक बार कमेंट करिए, एक बार और शेयर करिए। आज आपका कर्तव्य है कि आप 100 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य है। अपने सर को अगर कुछ मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, कुछ भी जो भी आप मानते हैं, उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आज 100 लाइव आप लेकर आएंगे। आप कर सकते हैं, आप चाह ले तो आप 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो मैं तो केवल 100 को बोल रहा हूं, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो थोड़ा सा हमारे लिए करना बनता है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 80 × 60 × 60 बटे 1000 है 1000। अब देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया, 8 × 48 × 6 मतलब 6 × 48 की 8 से लगे 4, 6 × 24 = 28। इसका मतलब कि मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया। अब देखिए अगर मैं इसमें ट्रिक की बात करूं तो इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या किया, यही इतना तो एक्स्ट्रा किया, मतलब हमने एक्स्ट्रा किया 60 × 60 / 1000। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 यानी 3 × 6 = 18/5। देखिए मतलब क्या हुआ, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है याद रखिएगा, इसीलिए ट्रिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, काफी सवाल हल करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और अच्छा सा आएगा। मतलब कि किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, मतलब क्या हुआ कि चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता है, मतलब कम होता है, मीटर प्रति सेकंड ज्यादा होता है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर कम हो गया और मीटर जो है ज्यादा हो गया। तो जो ज्यादा होगा उसमें कम वाला ऊपर रहेगा और जो कम होगा उसमें ज्यादा वाला ऊपर रहेगा, यही याद रखिए। तो ये मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया, कहीं भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा और आप लोग अपना कर्तव्य निभाते रहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा। तो चलिए हम आगे देखिए, चर्चा करते हैं इस चैप्टर के अब मुख्य बिंदु पर कि अर्थात
इस चैप्टर का जो बेस है, अभी तक तो हमने केवल चेंज करना बताया, जिसमें हमने चार को चेंज करना बताया और चार में हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़ा। चार को चेंज करने में हमने दो टॉपिक पढ़ा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कम होता है, कम से ज्यादा में बदलना है, तो ज्यादा में बदलना है इसीलिए कम वाला ऊपर रहेगा और ज्यादा वाला नीचे रहेगा, मतलब 5/18 से गुणा कर। उसी तरह अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो किलो इसका मतलब क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड ज्यादा रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा कम रहता है, इसीलिए उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5। अभी तक हमने दो चीज पढ़ा, अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, चूंकि हमको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए, गणित सबको कठिन क्यों लगती है, क्योंकि जो है जो भी टीचर है वो डायरेक्ट बताना चाहते हैं। जब तक आप उसके पुराने, चूंकि गणित शिक्षण में ये नियम है कि बच्चों को उनके पिछले अध्याय से जोड़कर पढ़ाएंगे जो वो जानते हैं, तो आप लोग तो इसको तो जानते ही होंगे। क्या कोई ऐसा है जो इसको न जानता हो? अगर हो तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चार, मतलब टी बराबर डी अपॉन यस, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अगर यहां से हम डी निकालें तो डी बराबर टी यस हो जाएगा। अगर यही दो व्यक्ति की बात कर ले कि डी वन दूरी या निश्चित दूरी एक व्यक्ति T1 समय में S1 चाल से तय करता है तथा दूसरा व्यक्ति T2 समय में S2 चाल से तय करता है, निश्चित दूरी मिल जाए तो आपको क्या करना है, अभी मैं बताऊंगा। निश्चित दूरी का मतलब है कि जो ये D1 और D2 है ना, ये आपस में बराबर हैं, मतलब D1 बराबर D2 है। तो अगर D1 बराबर D2 है तो इधर वाला भी हमारा बराबर होगा, मतलब T1S1 बराबर T2S2। यहां से अगर अभी हम निकालें तो हमारा हो जाएगा S1/S2 बराबर T2/T1, या फिर इसको आप याद रखेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं S1/S2 बराबर 1/T1/T2। तो देखिए, T2 ऊपर चला जाएगा, फिर से हमारा वही चीज आ जाएगा, S1/S2 बराबर T2/T1, यानी कि तीसरा चीज हमने पढ़ा S1/S2 बराबर T2/T1। अब समझिएगा कि हमारा कहने का मतलब, ये बताने का मतलब क्या हुआ। अगर कहीं आपको निश्चित दूरी शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए, निश्चित दूरी शब्द मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, निश्चित दूरी शब्द जैसे पाइएगा तुरंत आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, S1/S2 बराबर T2/T1। इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको हम पढ़ेंगे क्या, मतलब इसका सार जो निकला, इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, अब हम ये बताते हैं। इसका निष्कर्ष जो निकला, देखिए निष्कर्ष इसका यह है, यदि दूरी
निश्चित हो, यदि दूरी निश्चित हो तो उनकी उनकी मतलब व्यक्तियों की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात उनके समय की अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही पॉइंट है, मेन पॉइंट यही मेन पॉइंट है कि जो उनकी चालों का अनुपात है यानी कि S1/S2 उनके समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/T1/T2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चूंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं पर T=1/S लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर कहीं बटे में लिखा हुआ है तो उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो वही चीज यहां पे दिया गया है कि यदि दूरी निश्चित हो तो उनकी चालों का अनुपात समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब S1/S2=1/T1/T2। ठीक, तो ये चीज है। अब देखिए इसके बाद अगला, इसमें तो आपने ये समझ लिया कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जब प्रश्न कराएंगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी केवल इतना जान लीजिए कि अगर आपको एक शब्द मिल जाए कि निश्चित दूरी, अगर निश्चित दूरी शब्द मिल जाए तो आपको यही लिख लेना है S1/S2=T2/T1। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमने देखा एक चीज, देखा क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात T=D/S। अब देखिए अगर हम जैसा कि अभी मैंने लिखा था, तो अगर कह दिया जाए कि समय निश्चित हो, समय निश्चित हो और एक व्यक्ति जितने समय में S1 चाल से D1 दूरी तय करता है, ठीक, एक व्यक्ति जितने समय में S1 चाल से D1 दूरी तय करता है, दूसरा व्यक्ति उतने समय में S2 चाल से D2 दूरी तय करता है तब। मतलब क्या हुआ कि T1=D1/S1, T2=D2/S2। ठीक, क्या कह रहा है, जितने समय में एक व्यक्ति दूरी तय करता है उतने समय में दूसरा व्यक्ति इतना, मतलब क्या हुआ, जितना समय उतना समय, मतलब क्या हुआ कि दोनों का समय बराबर है। मतलब कि किसी रेस की बात की जा रही है कि किसी रेस में एक व्यक्ति अगर 500 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है तो दूसरा 500 मीटर अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो दूसरा व्यक्ति 400 मीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इस तरह का बात है यहां पे। अभी जब हम प्रश्न पत्र कराएंगे तो समझ में आएगा, अभी केवल आप इसको समझते रहिए कि समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो T1=T2 है इसका मतलब, अगर समय बराबर है तो T1=T2 है इसका मतलब D1/S1=D2/S2, या फिर यहां से करें तो D1/D2=S1/S2। आप यही याद रखिएगा कि D1/D2=S1/S2, अर्थात जो चौथा चीज हमने सीखा आज वो क्या सीखा,
कि डी वन अपान डी टू बराबर यस वन अपान यस टू, और ये कब था, जब आपका समय समय निश्चित हो, ये था जब दूरी निश्चित हो, ये था जब समय निश्चित हो। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे यदि समय निश्चित हो तब तब उनकी दूरी का अनुपात उनके चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो उनकी दूरी का अनुपात है, मतलब d1 अपान d2, ये जो है उनके चालों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात s1 अपान s2, और ये कब होगा, जब समय निश्चित होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये चीज है अभी हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जब प्रश्न करेंगे तो आपको एकदम हवा लगेगा। अगला जो है हमारा, एक बार हमने समय निश्चित किया, एक बार हमने दूरी निश्चित किया, अब हम लोग चाल निश्चित करेंगे, अर्थात चाल निश्चित करेंगे तब क्या होगा। तो उसके लिए देखिए, जब चाल निश्चित करेंगे मतलब यहां से हम निकालेंगे टी यस बराबर डी, तो यस बराबर डी अपान टी, मतलब कि यदि दूरी डी वन और d2 हो और समय t1 और t2 हो तब, तो देखिए तब क्या होगा, s1 बराबर d1 अपान t1 और s2 बराबर d2 अपान t2। फिर देखिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आज 100 लोगों को जोड़ना है, ये आपका कर्तव्य है, आप जोड़ेंगे और आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपके भरोसे हूं, इतना सहयोग जरूर करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखिए कह रहा है इसमें होगा चाल निश्चित हो, अगर चाल निश्चित होगी तो मतलब यस वन बराबर यस टू होगा, चाल निश्चित होगी यस वन बराबर यस टू होगा, और यस वन बराबर यस टू होगा तो मतलब क्या हुआ कि डी वन अपान डी वन बराबर डी टू अपान टी टू। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। फिर यहां से जब पक्षांतर करेंगे तो डी वन अपान डी टू बराबर टी वन अपान टी टू, मतलब हमने अगला क्या देखा, हमने अगला यानी कि पांचवा देखा कि डी वन अपान d2 बराबर t1 अपान t2, ये कब था, ये था जब चाल निश्चित रहे। तो हम क्या देख रहे हैं, केवल एक में उल्टा संबंध है दूरी निश्चित होने वाले में, बाकी सब में सिंपल है, सीधा है। तो चलिए देखते हैं, अर्थात इसका बनेगा क्या, तो इसका बनेगा कि यदि यदि चाल निश्चित हो, यदि चाल निश्चित हो तो उनकी दूरी का अनुपात उनके समय के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, ये चीज है। तो अगर कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए, इसको जो है फिर एक बार फिर से बताते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका, इसके बाद हम लोग देखेंगे औसत चाल। औसत चाल का मतलब ये है कि केवल अगर फार्मूले की हम अगर बात करें तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब
कि कुल टोटल कितनी दूरी चली गई है और बटे कुल टोटल कितना समय लगाया गया है। तो ये हमारा होता है औसत चाल का फार्मूला। अगर सिर्फ दो चाल दी गई हो, मतलब कि अगर एक चाल x दी गई हो, दूसरी चाल y दी गई हो, तब जो है जो औसत चाल होती है, तब औसत चाल जो होगी वो आपकी होगी 2xy बटे x प्लस y। तो 2xy बटे x प्लस y कब होती है? जब हमको मुकेश, आशीष, दिलीप, पंकज, मोहित, आप लोग जो है एक बार और शेयर करिए, एक बार और जोर लगाइए, अपने सर को आज 100 लाइक जरूर दीजिए। तो औसत चाल बराबर अगर एक x किलोमीटर प्रति घंटा, एक y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अगर जैसे प्रश्न कह दिया जाए कि रमेश कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर हमारा हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y। याद रखिएगा, ये आपका कब है? जब जो है आपकी दूरी समान हो, मतलब जितनी दूरी गया, जितनी दूरी चल रहा है वो समान दूरी अगर चल रहा है, तब आपका औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। और नहीं तो जो औसत चाल का फार्मूला है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसके बाद जो अगला चीज आता है, मतलब ये 6 नंबर 5 वो था, छठवां हमारा ये है। फिर आगे देखेंगे 7वें में, देखिए हमारी बात समझिएगा। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है, दो व्यक्ति मान लीजिए हैं, एक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल एक व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति यहां मान लीजिए, एक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो अगर दोनों एक ही दिशा में चले, मतलब जिस दिशा में पहला व्यक्ति चल रहा है उसी दिशा में अगर दूसरा व्यक्ति चलेगा, तो एक ही दिशा में अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं तो उनकी जो चाल होती है उनकी चाल घट जाती है, मतलब सापेक्ष चाल, या उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो घट जाती है, अर्थात 5-2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्थिति कब है? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कैसे हुआ आप समझिएगा। मान लीजिए ये व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया, ठीक, और ये व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच की जो दूरी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? भाई 2 तो ये चलेगा ही ना, तो 2 ये माइनस कर दीजिए, था 3 ही तो बचा, मतलब कि पहला व्यक्ति 3 किलोमीटर ज्यादा तेज चल रहा है। तो वही चीज है, यानी कि जो चाल होगी वो चाल हो जाएगी कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आपका चोर पुलिस रहेगा तब वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रश्न बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि यदि एक ही दिशा में चले तो चाल बराबर, या तो चाल घट जाती है, ठीक। अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहां पे मोहन या यम है और यहां पर पी है, और ये इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, मोहन फोन किया, हेलो, हाँ पी कहां पे हो? तो पी बोले कि हम तो घर पे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, निकलो घर से, मैं आ रहा हूं, रास्ते में मिल जाऊंगा। तो अगर मान लीजिए ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, इसका मतलब कि एक घंटे में दोनों लोगों ने कितनी दूरी चली बताइए,
भाई 3 किलोमीटर ये चलेंगे, मान लीजिए 3 किलोमीटर ये यहाँ पहुंच गए, 2 किलोमीटर ये चलेंगे, 2 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पहुंच गए, तो देखिए दोनों के बीच की दूरी कम हुई ना, अर्थात दोनों ने एक घंटे में कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर दूरी तय की। तो इसका मतलब कि 5 किलोमीटर दूरी तय की एक घंटे में, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 कैसे आया, 3 + 2। इसका मतलब कि अगर विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब कि अगर ये इधर से इधर जा रहे हैं और वो उधर से इधर आ रहे हैं, मतलब दोनों अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ जाती है। ठीक, जो हमारा 8वां पॉइंट है वो क्या है, 8वां पॉइंट हमारा है कि यदि विपरीत दिशा में चलें, यदि विपरीत दिशा में चलें तो चाल जुड़ जाती है, तो चाल जुड़ जाती है। हम समझ रहे होंगे कि आपको इस 8 पॉइंट में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई होगी, अगर कहीं भी कोई भी समस्या आई हो तो आप एक बार कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ये इतना हमारा बेस था, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, और अगले पड़ाव में हम इसको हल करना सीखेंगे, अगले पड़ाव में हम इसको हल करना सीखेंगे। अभी तक हमने जितना बताया अब हम उसी का प्रयोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ी है और उनकी चाल, चाल का मतलब स्पीड, यानी कि S1:S2। ठीक, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, अर्थात S1:S2 बराबर 6:7 हमको दिया गया है। ठीक, कह क्या रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना चल रही है, 364 किलोमीटर चले। ठीक, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, यही प्रश्न है हमारा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले चूंकि कह रहा है 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है, कौन सी, दूसरी रेलगाड़ी, तो इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चूंकि हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी है 364 और समय है 4 घंटे, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 4 × 36, 4 × 4, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको दे दिया क्या, हमको चाल दे दी गई दूसरी रेलगाड़ी की, अर्थात दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा है, तो ये 7 जो दिया है ये 7 ना होकर के कितना है, ये 7 ना होकर के 91 है भाई, चूंकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी है ना, ये 91 क्या है, 91 हमने निकाला, चाल निकाला किसका निकाला, दूसरी रेलगाड़ी की निकाला, अर्थात ये 7 जो है 7 ना होकर के 91 है, इसका मतलब कि इसमें जब 13 से गुणा करें तो 91 मिला, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम 13 से गुणा कर देंगे तो 13 × 6 = 78, इसका मतलब ये हुआ कि पहली रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको ये प्रश्न जो है 2010 में पूछा गया था। तो देखिए आपको अगर कहीं भी समस्या हो तो आप बताइएगा, हमारे साथ बने रहिए, सरल प्रश्नों से लेकर के कठिन प्रश्नों तक सारे प्रश्नों को हम
कराएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जिसको न समझ में आया हो वीडियो जब खत्म हो जाए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन कारों की चाल 2:3:4 है, मतलब S1:S2:S3 बराबर 2:3:4। तो तीन कारों की चाल 2:3:4 है, तो इन कारों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, T1:T2:T3। तो देखिए प्रश्न समझिएगा, कह रहा है समान दूरी तय करने में, और हमने बताया था कि अगर आपको दूरी समान मिल जाए तो इसका मतलब कि क्या है कि जो चालों का अनुपात है ना वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि T1:T2:T3 ये बराबर इसके व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1:S1:1:S2:1:S3। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो चाल का अनुपात है वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए जो समय का अनुपात है वो चाल के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसीलिए हमने 1:S1:1:S2:1:S3। तो देखिए है हमारा क्या, S1 यानी कि 2 तो 1/2, 1/3, 1/4। अब यही सॉल्व कर लीजिए, 12 इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2×6 12, 3×4 12, 4×3 12। 12 चूंकि तीनों में है इसीलिए 12 खत्म हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 6:4:3। तो जो समय का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 6:4:3, यही आ जाएगा आपका आंसर, और आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो कमेंट करिएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा तो बाद में भी करिएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आपका केवल एक काम है कि वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक। अगर आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो निश्चित ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, कह रहा है ए और बी किसी दूरी को 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, मतलब कि S1 और S2 ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, मतलब कि अगर बी यक्ष समय ले रहा है तो ए कितना लेगा, यक्ष प्लस 36 मिनट अधिक लेगा। तो मिनट को हम मिनट न करके घंटे में बदल दें तब हमारा ठीक रहेगा, नहीं तो हमको ये जो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। याद रखिएगा सारा जो मापन है वो एक मात्रक में होना चाहिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो सारा आपका किलोमीटर और घंटा रहेगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो सारा आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, ठीक। तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है इसीलिए इसको मैंने किसमें बदल लिया, जो 36 मिनट था इसको हमने घंटे में बदल लिया। अब देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है S1/S2=9/10 दिया है। अब देखिए हमको फार्मूला पता है कि S1/S2=T2/T1। मैंने कब बताया था, क्योंकि इस प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी किसी दूरी को, और उसमें लिखा है एक ही दूरी को, एक ही दूरी का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी दूरी है वो क्या है, समान है, और मैंने बताया कि अगर दूरी समान है तो S1/S2=T2/T1। कैसे हुआ,
इसको हमने पीछे बताया है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो खत्म होने के बाद फिर से देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी करता हूं कि जितनी देर की भी ये क्लास है उतनी देर अगर आप देख लेते हैं तो चार समय दूरी का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप न सॉल्व कर पाए। तो देखिए यस्वा अपान यस्टू आपको दिया गया है 9/10 बराबर है बराबर। T2 भाई ये T2 का समय है यक्ष और T1 का समय ये है यक्ष प्लस 36/60 यही सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो अर्थात 10 यक्ष बराबर 9 यक्ष प्लस 36 × 9/60। फिर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यक्ष इधर लेके आइए 10 यक्ष माइनस 9 यक्ष बराबर 6 इसको 6×6=36 6×2=60 तो यानी कि 6×9/10 आ गया 2 × 6 = 2×5=10 यानी कि यक्ष बराबर 9×3=27/5। अब देखिए हमको निकालना क्या है प्रश्न में देखिए कह रहा है कि तो यह दूरी कितनी है हमको दूरी ज्ञात करना है। ये आपका है यक्ष बराबर इतना घंटा ठीक यक्ष बराबर इतना घंटा चूंकि देखिए ये 36/60 हमने क्यों किया बटे 60 हमने इसको घंटे में बदला था तो इतना घंटा हो गया हमारा। ये हमारा क्या है ये हमारा है समय और ये हमारी है चाल। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल इंटू समय बराबर है बराबर। अब देखिए अगर हम यक्ष का मान यहां पे उठा के रखें अगर यक्ष का मान इसमें रखेंगे तो दूरी निकालने के लिए इसका और इसका गुणा करेंगे लेकिन अब चूंकि यक्ष का मान हम निकाल चुके हैं इसलिए दूरी निकालने के लिए इसका और इसका गुणा करेंगे अर्थात 10 × यक्ष अर्थात चाल जो है हमारी वो 10 किलोमीटर/घंटा है और समय हमारा 27/5 है तो 5 × 10 और 27 × 54 तो 54 किलोमीटर अर्थात दूरी हमारी हो जाएगी 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहीं भी कोई समस्या हो तो बताइए। प्रश्न में कह रहा था कि एक ही दूरी को क्योंकि एक ही दूरी को कह रहा था इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया कि S1/S2=T2/T1। तो चलिए आगे चलते हैं उसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर चार हम देखते हैं क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इसको भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा कह रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रहा है तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक तो ये प्रश्न आप लगा लेंगे ये प्रश्न आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप लगा करके बाद में वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितना आएगा। अब हम चलते हैं जो हमारा टाइप है अगला टाइप ये अभी तक जो हमने देखा सिंपल प्रश्न देखा अब हम टाइप 2 पर चलेंगे और टाइप 2 में हमारा क्या है कि जब दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए मतलब जब चाल असमान हो तो देखिए जैसे राम किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर/घंटे तथा शेष भाग 24 किलोमीटर/घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में पूरी कर लेता है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पे उसने देखिए क्योंकि लिखा है तो वहां पे राम कर लीजिएगा। कह रहा है किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पूरी यात्रा 10 घंटे में पूरा कर लेता है। मतलब क्या हुआ, क्या कहना समझिएगा, एक चाल दिया है कितना, एक चाल आपको दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल आपको दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है कुल टोटल समय 10 घंटे लगते हैं, टोटल समय 10 घंटे का लगता है। तो पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज समझिए, कह रहा है यात्रा का आधा भाग, मतलब अगर यात्रा 10 किलोमीटर की है ना, अगर यात्रा 10 किलोमीटर की है तो आधा मतलब 5-5, यात्रा अगर 20 किलोमीटर की है तो आधा मतलब 10-10, यात्रा अगर 2x किलोमीटर की है तो मतलब x-x। हम क्या देख रहे हैं कि जो दो चाल हमको दी गई है दोनों की दूरी बराबर है, जितनी दूरी पहली चाल से चलेगा उतनी दूरी दूसरी चाल से भी चलेगा। तो हमारा यही वाला नियम लग गया ना, जब दूरी बराबर हो, तो दूरी अगर बराबर है, अगर हम T1 को x मान लें तो T2 को क्या मानेंगे बताइए, T2 का हो जाएगा 10 माइनस x। कैसे हो समझ में आया, क्योंकि कह रहा है कि टोटल 10 घंटे लगते हैं, अगर यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे लग रहे हैं, हम कहें यहां से यहां तक जाने में हमने x घंटा तय किया, x घंटे में इतनी दूरी गए, तो जो हमारे पास शेष समय बचा उतने ही समय में इतनी दूरी तय किए ना, तो वही चीज हमारा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद, तो देखिए T1 हमारा x है, T2 हमारा इतना है, S1 हमारा ये है, S2 वो है, क्योंकि दूरी बराबर है इसलिए फार्मूला लगेगा S1/S2 = T2/T1। तो चलिए S1 यानी कि 21/24 बराबर T2 यानी कि 10 माइनस x/x गुणा कर दीजिए, 21 बराबर 24 दामा 240 और माइनस 24 x, इसको इधर लेके आइए, 21x + 24x बराबर 240, जोड़ दीजिए 20 20 40 5 45x बराबर 240 के, x बराबर 240/45 घंटा, क्योंकि x हमारा क्या है, टाइम है हमारा, x हमारा क्या है, टाइम है, तो इसीलिए घंटा हो गया। अब हमको निकालना था दूरी, क्या निकालना है, दूरी निकालना है, और हमने बताया दूरी बराबर 4 × समय, तो 4, अब देखिए x क्या माने हैं, T1 माने हैं, इसलिए S1 लेंगे, अर्थात 21 और T यानी कि 240/45। तो देखिए 3 से काटिए, 3 × 7 = 21 और 3 × 15 में 45, फिर देखिए 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 40, फिर 3 से काटिए, 3 × 3 = 18, तो 16 × 7, तो 7 × 42 = 2 × 4 = 7 × 4 = 11, यानी कि जो दूरी है आपकी, दूरी हो जाएगी 112 किलोमीटर की, दूरी आपकी हो जाएगी 112 किलोमीटर की। तो अब चूंकि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए, और अभी हमने जो 112 निकाला वो क्या निकाला, S1 और T1, अर्थात आधी दूरी हमने निकाला, क्योंकि पूरी दूरी दी गई थी, हमने इसको S1 T1 माना था, इसको S2 T2 माना था, तो जब हमको ये पता चल गया 112 किलोमीटर, तो ये भी तो 112 होगा, तो अर्थात जो टोटल दूरी हो जाएगी 112 + 112 यानी कि 224 किलोमीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमारा टाइप 1 टाइप 2 था, अब अगला जो देखेंगे टाइप 3 में आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगा होगा, और ये प्रश्न जो है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, या चोर
चोर पुलिस या चोर पुलिस वाले प्रश्न। ठीक, तो देखिए इस पर चर्चा करते हैं, स्याही डाल लें तब तक। देखिए चोर पुलिस वाले प्रश्न, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया है, क्या कह रहा है? एक स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, यहीं पर एक सिपाही खड़ा ए पर, कौन है? सिपाही। ठीक, और उससे 500 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 500 मीटर की दूरी पर एक बिंदु या एक स्थान बी है जहां पर एक चोर को देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है। कौन भागता है? चोर जो है, चोर जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की ओर भागता है और सिपाही उसका पीछा करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। ठीक, अच्छा ये बताइए, जब भी कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता है तो वह व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को कब पकड़ेगा? मान लीजिए कि यही दो व्यक्ति हैं और ये दोनों भागना शुरू करें, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ये पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, अगर दोनों की चाल समान रहे तो दोनों कभी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। व्यक्ति कब पकड़ा जाता है? व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब आगे वाले व्यक्ति की चाल कम हो और पीछे वाले व्यक्ति की चाल ज्यादा हो, तभी तो व्यक्ति को पकड़ेंगे, नहीं तो पता लगे आगे वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर रहे हो। एक घंटे में तुम 10 किलोमीटर जाओगे, एक घंटे वो 20 किलोमीटर पहुंच जाएगा, दो घंटे में तुम 20 किलोमीटर जाओगे, दो घंटे में वो 40 किलोमीटर पहुंच जाएगा, तो क्या कभी उसको पकड़ पाओगे? कभी नहीं पकड़ पाओगे। कब पकड़ोगे? अगर आगे वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो, आगे वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो, आगे वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो तुम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो। मतलब कि अगर आगे वाले से ज्यादा चाल रहेगी तुम्हारी तभी तुम उसको पकड़ पाओगे। तो देखिए सिपाही की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात अगर आगे वाला स्लो चलेगा, पीछे वाला तेज चलेगा तब पकड़ लेगा। और पकड़ेगा कैसे? पकड़ने के लिए सिपाही को क्या करना पड़ेगा? पकड़ने के लिए सिपाही को जो यही इतनी दूरी है ना, यही दूरी सिपाही को कवर करना पड़ेगा, अर्थात जो दोनों के बीच में जो गैप है वही गैप कवर कर जाए, वही गैप भर जाए तो चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो अर्थात चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर गैप पूरा करने में लगा समय, गैप पूरा करने में लगा समय, मतलब कि सिपाही चोर को कब पकड़ लेगा? जब जो है वो गैप पूरा करेगा। तो गैप पूरा करने के लिए हमको चलना है, तो चलिए हम चलते हैं। हमने बताया कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब सिपाही 20 किलोमीटर चलेगा, चोर 15 किलोमीटर चलेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी कवर होगी? एक घंटे में 5 किलोमीटर कवर होगी। इसका मतलब हुआ कि समय बराबर होता है दूरी अपान चाल, मतलब गैप अपान चाल। तो गैप हमारा कितना है? 500 मीटर का गैप हमारा है, 500 मीटर का, और चाल हमारी है, चाल हमारी कितनी है? तो देखिए सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगी, तो 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सापेक्ष चाल हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और यहाँ पे देख रहे हैं मीटर में लिखा हुआ है, तो चाहे हम मीटर को घंटे में बदल दें और चाहे किलोमीटर प्रति घंटे को
मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। आप स्वतंत्र हैं, जो मन हो आपका उसमें बदल दीजिएगा। इसको बदलना हो तो इसमें बटे 1000 कर देंगे तो वो आपका घंटे में बदल तो किलोमीटर में बदल जाएगा, और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5 × 5/18 यानी कि 25/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमने 5/18 क्यों किया, जो व्यक्ति नए जुड़े हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार बैक करिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए, चाल हमारी है 25/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 18 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 × 25 × 50 = 20 यानी कि टाइम बराबर 20 × 18 तो 18 × 36 यानी कि 360 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो सिपाही है वो 360 सेकेंड में चोर को पकड़ देगा, और अगर मिनट में बदलना हो तो 60 कर दीजिए, तो यानी कि चाहे 360 सेकेंड कह दीजिए या फिर 6 मिनट कह दीजिए। मतलब कि जो चोर है, जो सिपाही है, वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। इसी तरह एक प्रश्न और हम देते हैं, और देखिए आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। एक प्रश्न और देखिए कि सिपाही एक कुत्ता 200 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है, मतलब यहीं पर एक कुत्ता है 200 मीटर की दूरी पर यहां पर एक बिल्ली है। अच्छा ये बताइए, जब कुत्ता बिल्ली को पकड़ने के लिए भागेगा तो क्या बिल्ली वहां बैठी रहेगी, बिल्ली भी तो भागेगी। तो वही चीज है कि कुत्ता बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी और कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका पीछा करता है। कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका पीछा करता है, बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है, और आगे क्या कह रहा है कि उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। चलिए तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में यानी कि जो समय लगेगा उसी गैप को कवर करने में जितना समय लगेगा वही लगेगा, तो अर्थात गैप अपान टाइम। तो गैप हमारा है 200 मीटर और बटे समय, गैप अपान स्पीड यानी कि चाल। तो स्पीड हमारी चाल क्या है, देखिए 25 किलोमीटर इसी दिशा में, 12 किलोमीटर इसी दिशा में, दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए सापेक्ष चाल जो होगी वो हमारी घट जाएगी। तो 25 में से 12 घटा देंगे तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, अर्थात 13 × 5/18 13 × 65/18 या 13 × 5 ही रहने दीजिए, यही मान उठा के यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 65/18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 200/65 × 18 तो 5 × 5 = 5, 5 × 15 ठीक, और 5 × 20 = 40 18 × 72 720/13 तो 13 × 65 5 × 70 = 270 फिर 13 × 65 = 570 ठीक, तो 55 सही 5/13 सेकेंड में जो कुत्ता होगा वो बिल्ली को पकड़ लेगा, 55 सही 5/13 सेकेंड में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो देखिए इसमें जो है सेकेंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 55 सही 5/13 सेकेंड में पकड़ लेगा। अगर हम इसी को, जो हमारी चाल थी, अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे
घंटे से मीटर प्रति सेकंड में ना बदलते, डायरेक्ट मान रखते तो क्या करते, देखिए डायरेक्ट रखते तो आपका 200 मीटर था और इसमें जब आप बटे 1000 करते तो ये आपका बन जाता किलोमीटर में, और इनटू 4 आपकी थी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे 13 तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10, यानी कि 1/65। अब 1/65 ये भी हमारा आता तो किसमें आता, इतना घंटा, ठीक। तो यहां से फिर क्या करते, तो इसको अगर हम इतने घंटे को अगर हम मिनट में बदलते तो ये हमारा हो जाता 60/65 मिनट, और उसके बाद इसको भाग दे देते तो 0.00 लगाते तो देखिए 5 × 13 = 65 और 5 × 5 = 10 यानी 12/13 0.120 हो जाता, 13 × 9 = 117 यानी कि 0.9 कुछ आता। तो अर्थात यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये है हमारा चोर और पुलिस का। आज की क्लास आपकी यहीं पे रोकनी पड़ेगी, और ये आपका अभी पूरा नहीं है, टाइप 3 जो है अभी मैं और बताऊंगा। तो आपकी जो है मैराथन सेकेंड यानी कि मैराथन पार्ट 2 जो है, आगे जब वीडियो आएगी तो आपको बताया जाएगा। आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो की जिसकी वजह से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो जब क्लास चलेगी तब आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करवाते रहिए, ठीक। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।